तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रियल कार्स के मॉडल्स, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे मेरे पास अलग अलग ब्रांड के मॉडल्स हैं, जो दोस्तों मैं आपको एक एक करके पहले दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा फर्स्ट मॉडल है वो है डस्टर कार का। तो यहाँ पे आप लोग लुक देख सकते होंगे। प्राइस की बात करो तो दोस्तों ये मुझे 200 रुपए के आसपास मिला है। और यहाँ पे है दोस्तों हमारा एक प्यारा सा मॉडल TUV 300DX। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे काफी बेस्ट मॉडल है ये। दोस्तों मुझे 300 रुपए के आसपास मिला है। और यहाँ पे है ब्रिटिश का प्लेन, जो ये दोस्तों मुझे मार्केट में 200 रुपए के आसपास मिला है। और यहाँ पे है हमारी यमाहा बाइक, ये भी दोस्तों मुझे 200 रुपए के आसपास मिला है। और यहाँ पे है दोस्तों हमारी ब्लैक कलर की कार XUV 500, तो ये भी दोस्तों मुझे 200 रुपए के आसपास मिला है। और दोस्तों हमारे पास है सुजुकी का पुराना मॉडल, जो यार प्यारी सी वैन। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से आपको वैन मिलने वाली है, ये भी दोस्तों मुझे 200 रुपए के आसपास मिली है। और दोस्तों हमारे पास है लास्ट वाली कार वैगना, तो ये भी दोस्तों मुझे 200 रुपए के आसपास मिली है। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, तभी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि यार इनमें से कौन सी वाली कार आपको परचेस करनी चाहिए, कौन सी वाली सही है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 500 लाइक, तो मुझे पता है कि दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। तो चले तो फिर पहले मैं इस यमाहा बाइक को ही ओपन करता हूँ, जो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है यमाहा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है यमाहा। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से ओपन, देखते हैं कि अंदर से क्वालिटी कैसी होती है। फिर दोस्तों मैंने फाइनली जो बाइक को है निकाल दिया। और दोस्तों काफ़ी हैवी बाइक बनाई गई है, काफ़ी भारी है, और इसके पहिए भी काफ़ी मस्त है। और प्लास्टिक तो दोस्तों बहुत ही आपको बेस्ट मिलने वाला है, नहीं है टूटने वाली। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे होंडा भी लिखा हुआ है, ये देखिए। और काफ़ी मस्त बाइक है। और ये वाली जो बाइक है दोस्तों वो पुश बैक है, ये देखिए कुछ इस तरह से ये चलने वाली है, काफ़ी बेस्ट है। तो अभी दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ एक वैगना का मॉडल, और यहाँ पे है मारुति सुजुकी वैन। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वैन। तो वैन की क्वालिटी दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे, जो बॉडी है वो आपको फाइबर की मिलने वाली है। और आप लोग यार इसको शो पीस में रख सकते होंगे, काफ़ी रियल लग रही है। और ये इसका जो डोर है वो दोस्तों यहाँ से इस तरह से खुलता है, जैसे यार रियल कार में खुलता है वैसे। ये वाला डोर आपको ओपन होने वाला नहीं है, और ये कांच नहीं है, ये प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और काफ़ी हैवी आपको मिलने वाली है वैन। तो ये देखिए इसके अंदर ड्राइवर भी बिठाया गया है, तो यार ये मुझे बहुत ही पसंद आई और काफ़ी मस्त चलने वाली है, बहुत ही बेस्ट। और यहाँ पे है दोस्तों वैगन, और यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कुछ इस तरह से ये कार है, और ये भी फाइबर से बनी हुई बॉडी है। यहाँ पे दोस्तों आपके दो दरवाजे ओपन होते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, बहुत ही मस्त। इसके अंदर कोई भी ड्राइवर आने वाला नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों जो पीछे का कंपार्टमेंट है वो भी ओपन होता है, ये देखिए कुछ इस तरह से, जो यार काफ़ी मस्त लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया लगता है, बहुत ही मस्त। और ये भी दोस्तों पुश बैक है, यार काफ़ी फास्ट चल रही है, ये देखिए। तो अभी दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ ब्रिटिश का प्लेन, तो फटाफट से कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे ये है इसका स्टैंड, और ये देखिए इस तरह से आपको प्लेन मिलने वाला है। और ये जो वाला प्लेन है दोस्तों वो चलने वाला है, ये पुशबैक है, ये देखिए, ये उड़ेगा नहीं लेकिन चलेगा जरूर, ये देखिए बहुत ही मस्त तरह से। और प्लास्टिक की तो क्या दोस्तों मैं बात करूँ, यार काफ़ी हैवी प्लास्टिक मिलने वाला है, काफ़ी बेस्ट। और ये आप लोग देख सकते होंगे बहुत ही मस्त और काफ़ी नुकीला बनाया गया है। और इसका ये रहा स्टैंड। दोस्तों इस प्लेन को कैसे सेट करें वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये लग जाएगा, बहुत ही मस्त तरह से। और ये देखिए इस तरह से ये हो चुका सेट। और ये ज़्यादातर दोस्तों जो प्लेन्स की ट्रैवल्स कंपनी होती है वहीं पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये वाला प्लेन आप लोग यार ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यार काफ़ी मस्त इफेक्ट देता है, ये देखिए कितना मस्त लगता है। तो अभी दोस्तों मैं ओपन करने वाला हूँ डस्टर कार को, तो फटाफट से कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे बहुत ही बढ़िया कार है, और यह जो डस्टर कार होती है वैसी सेम टू सेम बनाई गई है। और यहाँ पे आपको इसको पहिए देख सकते होंगे, क्या यार मस्त पहिए दिए हैं। और यहाँ पे कोई भी लाइट वाइट होने वाली नहीं है। और ये जो वाली कार है वो है पुश बैक, तो कुछ इस तरह से ये वर्क करेगी, तो बहुत ही फास्ट चलती है। और यहाँ पे देख सकते होंगे अंदर स्टीयरिंग भी आया हुआ है, पीछे स्पीकर भी लगे हुए हैं, सिर्फ स्टिकर लगाया गया है। और यहाँ पे जो इसके डोर है वो दोनों के दोनों ओपन होते हैं, काफ़ी मस्त है XUV 500।
तो इसकी भी क्वालिटी देख ही लेते हैं कैसी है। जो कार का दोस्तों जो ब्लैक कलर होता है वो काफ़ी मज़ेदार होता है यार। क्या बेस्ट कार लगती है ये देखिए, क्या मस्त लग रही है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही मस्त कार मिलने वाली है, बॉडी है फाइबर की और काफ़ी हैवी भी है। और यहाँ पे इसके अंदर देख सकते होंगे म्यूज़िक सिस्टम का स्टिकर भी लगाया गया है, पीछे दोस्तों ब्रांडेड स्पीकर का स्टिकर लगाया गया है। और ये देखिए इसके डोर भी दोनों के दोनों ओपन होते हैं कुछ इस तरह से। और ये भी आपको पुशबैक मिलने वाली है जो काफ़ी स्मूथ कार चलती है, बहुत ही बढ़िया और मज़ा आ गया। और इसमें कोई भी लाइट वाइट होने वाली नहीं है दोस्तों। और इसके पहिए भी है ना वो आपको रबड़ के मिलने वाले हैं। जितनी भी दोस्तों मैंने अभी कार दिखाई आपको सारे के सारे पहिए हैं वो रबड़ के मिलने वाले हैं, काफ़ी बेस्ट मटेरियल्स भी मिलने वाला है। TUV 300DX तो देखते हैं कि अंदर से क्वालिटी कैसी है। मुझे कार देखने से ही बहुत ही बेस्ट लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग कार का लुक देख सकते होंगे, काफ़ी हैवी बनाया गया है और काफ़ी मस्त लग रही है ये देखिए। और इसमें जो डोर है दोस्तों वो ओपन होने वाली नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों फाइबर की बॉडी लगाई गई है जो टूटने वाली नहीं है, कहीं से भी गिरेगी तब भी आपका कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगा कि यार पीछे का भी डोर खुलेगा लेकिन ये पीछे का भी कोई खुलने वाला नहीं है, सिर्फ कार का लुक ही अच्छा है। और ये देखिए कुछ इस तरह से चलने वाली है, ये भी पुशबैक है। तो दोस्तों वीडियो अभी तक खत्म हुई नहीं है, लास्ट में मैं दोस्तों इन कार्स का सेटअप दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। आप लोगों को इनमें से कौन सी वाली कार सबसे बेस्ट लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे तो दोस्तों सारी की सारी बेस्ट कार लगी, क्योंकि यार इसके जो बॉडी है वो फाइबर की मिलने वाली है और काफ़ी मस्त मटेरियल से बनी गई है। आप लोग दोस्तों इसको शो पीस में भी रख सकते हो, ट्रैवल्स ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला हो। तो चले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।